आगे हम देखते हैं, जैसा कि हमने अपनी पुराने वीडियो में देखा, गोकू और वेजिटा एक नई रियलिटी में आ गए थे, जहां वो दोनों ने देखा उस टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा को, जो कि वो मंकी थे, और वो दोनों आपस में लड़ते हैं। बट थोड़ी देर बाद मंकी वेजिटा और मंकी गोकू को पता चल जाता है कि वो दोनों दुश्मन नहीं हैं। तो मंकी गोकू और मंकी वेजिटा गोकू और वेजिटा की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो शेनरॉन को बुलाने के लिए ड्रैगन बॉल कलेक्ट करते हैं कि ताकि उनकी हेल्प कर सके और शेनरॉन से पूछ सके कि ये क्या हो रहा है और इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए। तभी मंकी गोकू को ज़ेनोसामा के पैलेस से मैसेज आता है और मंकी गोकू को टूर्नामेंट ऑफ पावर का याद आता है, जिसके बारे में वो भूल गया था, और मंकी गोकू वेजिटा और गोकू से हेल्प मांगता है। गोकू तुरंत हाँ कह देता है और कहता है कि मैं पहले भी टूर्नामेंट ऑफ पावर में फाइट कर चुका हूँ। अब आगे वहीं पे वेजिटा पूछता है, ये टूर्नामेंट ऑफ पावर की स्टोरी क्या है? मंकी गोकू कहता है कि मैं काफ़ी बोर हो रहा था और मेरे से लड़ने के लिए कोई अच्छा ओपोनेंट भी नहीं था, तो मैंने ज़ेनोसामा से टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए कहा था। इस पर वेजिटा कहता है कि कोई तगड़ा ओपोनेंट नहीं था, तुम पहले ही गैस एंड ग्रोनोला से लड़े हुए हो, तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। इस पर मंकी गोकू कहता है कि हाँ तुम सही हो, बट गैस और ग्रैनोला वो दोनों ज्यादा पावरफुल नहीं है। इस पर गोकू और वेजिटा दोनों ही सरप्राइज रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं हमारे टाइमलाइन में गैस और ग्रैनोला तो बहुत ही ताकतवर थे, हम लोग को वो बहुत ही टक्कर का मुकाबला किया था, लेकिन लगता है कि इस यूनिवर्स के गैस और ग्रोनोला बहुत ही कमजोर है, या फिर मंकी गोकू और मंकी वेजिटा हम दोनों से ज्यादा स्ट्रांग है। इसका मतलब इन दोनों ने अपनी पूरी पावर अपने फाइट में यूज ही नहीं की थी। बट मंकी गोकू कहता है कि हमारे पास बात करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी चलते हैं। मंकी गोकू कहता है कि और गोकू वेजिटा तुम दोनों मिलकर हम लोगों की 4 लोगों की टीम तैयार हो गई है, अब जल्दी चलते हैं। वहीं पे मंकी वेजिटा पूछता है मंकी गोकू से, ये सब क्या हो रहा है? इस पर मंकी गोकू कहता है, मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए समय नहीं है, और वो गोकू से जल्दी चलने को कहता है। इस पर गोकू तुरंत मंकी वेजिटा का हाथ पकड़ता है, वो चारों एक सर्कल में खड़े हो जाते हैं। मंकी वेजिटा कुछ कह पाता इससे पहले ही वो चारों टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग में आ जाते हैं। वहाँ पे सारे यूनिवर्स के गॉड और वॉरियर भी थे, और जैसे ही सारे गॉड को फील होता है कि यूनिवर्स 7 के मेंबर्स आ गए, तो वो यूनिवर्स 7 को काफी गुस्से में देखते हैं। ये सब जैसे ही गोकू देखता है, वो वेजिटा से कहता है कि ये सब तो पहले के ही तरह है, तब भी सभी लोग हमें ऐसे ही देख रहे थे, और वो टूर्नामेंट ऑफ पावर हमारे लिए कितना मुश्किल था, जिरन और यूनिवर्स 11 हमारे लिए काफी बड़ी दिक्कत थी। वहीं पे हम देखते हैं कि सारे गॉड में से बीरस काफी गुस्से में होता है, और वो तुरंत मंकी गोकू को देखकर काफी गुस्सा करता है और उससे एक पंच मारता है और कहता है, क्या तुम पागल हो, तुमने सारे यूनिवर्स की जान खतरे में डाल दी है। पर तुरंत ही बीरस को रियलाइज होता है कि यहाँ पे 2 स्ट्रेंजर हैं, और वो बीरस का अटेंशन अपनी तरफ कर लेते हैं, खासकर वेजिटा, क्योंकि उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जानते हैं कि वेजिटा जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पोशाक में है, वो हम में से एक नहीं है, ना ही उसका कोई अप्रेंटिस है, इसलिए वो इस चीज को एक मजाक की तरह लेते हैं, और सभी आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि यूनिवर्स 7 ने तो 2 जोकर को अपनी टीम में ले रखा है, ये बैटल तो हम आसानी से जीत जाएंगे। बट बीरस और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो जो इन दोनों को यहाँ ले आए हो। इस पर मंकी गोकू कहता है कि ये इस टाइम के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। गोकू और वेजिटा सब कुछ देखते हैं, वो नोटिस करते हैं यहाँ पे 16 यूनिवर्स है और काफी सारे अननोन फाइटर भी है। इसका मतलब यहाँ के वो 4 यूनिवर्स ज़ेनोसामा ने डिस्ट्रॉय नहीं किए हैं। गोकू को कुछ नए फेस भी दिखते हैं, जिरन, हिट और वो तीनों सैयन। इस पर गोकू कहता है कि पता नहीं वो सब क्या कर रहे होंगे, उनसे मिले काफी साल हो गया है। वहीं पे ग्रैंड प्रिंस सारे रूल एक्सप्लेन करते हैं और वो एकदम पहले जैसे ही होते हैं, और ग्रैंड प्रिंस कहते हैं जो भी यूनिवर्स हारेगी उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, और जो भी फाइटर एंड तक एरिना में रहेगा उसे 7 गोल्डन ड्रैगन बॉल मिल जाएंगे, और गोल्डन शेनरॉन उसकी एक विश पूरी कर देगा। इस पर मंकी कुकू कहता है कि डरने की बात नहीं है, मैं सबको हरा कर फिर से सारे यूनिवर्स को जिंदा कर देंगे। इस पर मंकी वेजिटा कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, और मंकी वेजिटा काफी गुस्सा करता है। इस पर गोकू कहता है कि पुरानी यादें ताजा हो गई है। इस पर वेजिटा कहता है कि गोकू तुम्हारे वजह से हम अपने यूनिवर्स में नहीं जा पा रहे हैं,
तुम बस सबकी प्रॉब्लम पे पढ़ते जाओ और हम अपने यूनिवर्स में कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और जब देखो सबकी मदद करने लग जाते हो। इस पर गोकू कहता है कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वेजिटा, हम ये तुरंत खत्म कर देंगे, और वैसे भी ये तो उतने भी पावरफुल नहीं होंगे जितने हमारे यूनिवर्स में वॉरियर्स थे। वेजिटा चुप हो जाता है। वहीं पे ग्रैंड फ्रीज रूल्स बताने के बाद सारे गॉड और एंजल्स को टेलीपोर्ट कर देते हैं और एरिना में, और एरिना में सिर्फ पार्टिसिपेंट्स रह जाते हैं। इसका मतलब ये टाइम है टूर्नामेंट को शुरू करने का, और जैसे ही ये टूर्नामेंट शुरू होता है गोकू और वेजिटा कम्प्लीटली सरप्राइज रह जाते हैं, क्योंकि ये उनके यूनिवर्स की तरह नहीं होता है। जहाँ पे वो दोनों काफ़ी यूनिवर्स के फाइटर से लड़ने लग जाते हैं, यहाँ पे सारे फाइटर एक साथ खड़े रहते हैं और उनकी आंखें जैसे कि यूनिवर्स 7 को ब्लेम कर रहे हो कि जो भी हो रहा है यूनिवर्स 7 की वजह से हो रहा है। और सारे यूनिवर्स के वॉरियर कहते हैं कि ये सब यूनिवर्स 7 के मतलबी फाइटर की वजह से हो रहा है, हम लोग सबसे पहले यूनिवर्स 7 को मिलके एलिमिनेट करेंगे। जो कि ये बात यूनिवर्स 7 के वॉरियर के लिए अनएक्सपेक्टेड था, बट मंकी गोकू कहता है कि ठीक है तुम सभी एक साथ आ जाओ। और फिर मंकी गोकू अपने पावर पोल को हवा में एक हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर की तरह घुमाता है और वो काफ़ी सारे वॉरियर को हवा में उड़ा देता है। बहुत जल्दी उसके पावर पोल के साथ के एक एनर्जी बॉल आके टकराती है और वो देखता है वो जिरन था। जिरन कहता है कि अब हमारे रीमैच का टाइम हो गया है। वहीं पे टोपो भी मंकी वेजिटा से लड़ने लग जाता है और कहता है कि ये बदले की टाइम है। वेजिटा कहता है कि ये तो देख ही लेंगे। वहीं पे गोकू और वेजिटा को काफ़ी अजीब फील हो रहा था क्योंकि कोई भी उनसे लड़ने नहीं आ रहा होता है, बट जल्द यूनिवर्स 2 की लव ट्रायो उनके तरफ बढ़ती है। वेजिटा ये देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि ये तीनों अनोइंग वोमेन ही उनसे लड़ने आ रहे हैं। वेजिटा तुरंत एक एनर्जी स्फीयर रिलीज करता है और तुरंत उन तीनों को अरीना से बाहर फेंक देता है। वहीं पे यूनिवर्स 2 का बचा हुआ फाइटर कंटिन्यू टेलीपोर्ट कर रहा होता है, बट गोकू तुरंत उसकी एनर्जी को डिटेक्ट करके उसे रिंग से बाहर टेलीपोर्ट कर देता है और कहता है मेरी टेलीपोर्ट एबिलिटी तुम लोग से काफी अच्छी है। वहीं रॉयल रंबल शुरू होने के एक मिनट के अंदर ही यूनिवर्स 2 एलिमिनेट हो जाती है और ग्रैंड प्रिंस यूनिवर्स 2 को खत्म कर देते हैं। वहीं पे गोकू यूनिवर्स 9 का बीस्ट मैन को एक कोऑर्डिनेट अटैक करता है। गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में काफ़ी इजीली उन्हें डॉच कर देता है और उनके साथ थोड़ा खेलने के बाद उन्हें एक पंच में ही रॉयल रंबल से बाहर फेंक देता है। यूनिवर्स 9 के बचे हुए वॉरियर गोकू पे अटैक करते हैं, बट वो भी गोकू के एक अटैक में ही बाहर हो जाते हैं और इसी के साथ यूनिवर्स 9 भी एलिमिनेट हो जाते हैं। वहीं पे बाकी बचे हुए यूनिवर्स देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये दोनों कौन है जिन्होंने इतनी आसानी से यूनिवर्स 2 और यूनिवर्स 9 के बेस्ट वॉरियर को एक झटके में हरा दिया, इनकी पावर तो काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पे वेजिटा यूनिवर्स 6 के सयन ट्रायो से लड़ने लग जाता है, बट वो ये देखकर काफ़ी सरप्राइज रह जाता है कि ये तीनों नॉर्मल है। वेजिटा को लग रहा था कि इस यूनिवर्स के लोग भी मंकी होंगे, पर ऐसा नहीं होता है। कॉलीफ्ला वेजिटा पे एक अटैक करती है, बट वेजिटा उसे काफ़ी इजली डॉच कर देता है, जबकि काबा और कॉलीफ्लावर सुपर सैयन 2 में थे, जबकि केल अपना स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रही थी। वेजिटा कहता है कि तुमने अपनी स्किल में काफ़ी इम्प्रूव किया है, मैंने तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। और वेजिटा तुरंत उनके पैर पे एक अटैक करता है और अपनी थोड़ी सी ही पावर से और वो तीनों नीचे गिर जाते हैं। और वेजिटा कहता है कि अगर यही तुम तीनों की फुल पावर है तो अच्छा होगा कि हार मान लो और इस अरीना से खुद बाहर चले जाओ, क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। कॉलीफ्लावर, काबा और केल वो तीनों अपने वो पल याद करते हैं जब उन्होंने ट्रेनिंग करी थी, और वो पल याद आते ही वो तीनों खड़े हो जाते हैं एक साथ और सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये देख के वेजिटा सरप्राइज रह जाता है और वो तीनों वेजिटा पे अटैक करने लग जाते हैं। वेजिटा उन्हें ब्लॉक कर देता है, बट काबा और कॉलीफ्लावर वेजिटा को एक फ्लाइंग किक मारते हैं और वेजिटा को हवा में फेंक देते हैं, और केल तुरंत एनर्जी स्फीयर वेजिटा पे लॉन्च करती है जिससे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, और इसी के साथ एक और एक्सप्लोजन होता है। जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि गोकू ने यूनिवर्स 3 के माजी कायो को एलिमिनेट कर दिया होता है। वहीं पे मंकी वेजिटा काबा से काफ़ी इम्प्रेस होता है और कहता है तुमने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर ली है काबा। काबा मंकी वेजिटा को अपना टीचर मानता है। जैसे ही वो ओरिजिनल रियलिटी में आता है वही गोकू भी उनकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम तीनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम हो,
यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 11 के बाद वहीं पे हम वेजिटा को देखते हैं, जिसके चेहरे पे एक स्क्रैच भी नहीं आया हुआ होता है, एक खरोच भी नहीं आया हुआ होता है, और वो कहता है कि मैं तुम तीनों से काफ़ी इम्प्रेस हूँ, बट इतने से मुझे कुछ नहीं होगा। वहीं पे यूनिवर्स 6 के सैयन ट्रायो काफ़ी सरप्राइज हो रह जाते हैं और सोचते हैं इतने पावरफुल अटैक के बाद तो इससे बेहोश हो जाना चाहिए था, और वो कहते हैं कि ये कौन है जिसके पास इतनी पावर है कि हमारे पावर्स को रिपेल कर दे रहा है।